हेलो दोस्तों, आज हम रोचक फैक्ट्स के माध्यम से नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। पर्वतराज मखेल की पुत्री नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख और भारत की पांचवी बड़ी नदी मानी जाती है। विंध्य की पहाड़ियों में बसा अमरकंटक एक वन प्रदेश है। अमरकंटक को ही नर्मदा का उद्गम स्थल माना गया है। यह समुद्र तल से 3500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। भारत में चार नदियों को चार वेदों के रूप में माना गया है। गंगा को त्रिवेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अर्थवेद और नर्मदा को सामदेव। सामदेव कलाओं का प्रतीक है। नर्मदा ने भी लोक कलाओं और शिल्प कलाओं को पाला पोसा है। नर्मदा अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर दुग्धधारा जल प्राप्त तथा 10 किलोमीटर पर दूरी पर कपिलधारा जल प्राप्त बनाती है। संगमरमर की खूबसूरत संकरी घाटियों से बलखाती नर्मदा नरसिंहपुर होशंगाबाद की धरती को अभी स्पर्श करती खांडवा से गुजरते हुए महेश्वर के पास 8 किलोमीटर का सहस्त्र धारा जल प्राप्त बनाती है। रास्ते में नर्मदा नदी मंधार तथा दर्दी नामक प्रपातों को भी आकर्षक रूप देती चलती है। तत्पश्चात महाराष्ट्र से होती हुई शहर की पश्चिम दिशा में खंभात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। पुण्यदायिनी माँ नर्मदा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धा भक्ति और सच्चे मन से माँ नर्मदा के दर्शन पूजन अर्चन मात्र से ही मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।